तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, अगर आपके घर में बेटा और बेटी हैं तो बेटा को मिलेगा 1,000 रुपया और बेटी को मिलेगी 1,200 रुपया प्रति महीना। तो दोस्तों, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। हम आपको इसमें बताएंगे किनको यह लाभ दिया जाएगा। और हम आपको बता दें कि 8, 9, 10 में पढ़ने वाले छात्रों को 6,000 रुपया का राशि भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहिएगा। हम आपको इसमें बताएंगे कि आवेदन कैसे करना है, दस्तावेज क्या लगेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ और आपको हमेशा अपडेट करता रहता हूँ। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। इस योजना का या इस विभाग का जो नाम है, श्रम विभाग योजना है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर लिखा गया कि किस मौके पर लॉन्च हुई है। तो देखिए, बाल श्रम निषेध दिवस पर यह योजना लॉन्च हुई है और लाभार्थी दे सकते हैं, प्रदेश के बालक श्रमिक को लाभ मिलेगा यह। और देखिए, इसमें लिखा गया कि क्या लाभ मिलेंगे आपको। तो देखिए, लड़कों को 1,000 रुपया प्रति माह और लड़की को 1,200 रुपया प्रति माह, और 8, 9 और 10 में पढ़ने वाले बच्चों को 6,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा। तो चलिए, अब हम आपको बात कर लेते हैं कि बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश की मुख्य बाती। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लाभ मिलने वाला है उत्तर प्रदेश राज्य के लिए बाल श्रमिक को मिलने वाला है। तो देखिए, यह योजना का उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण कई परिवार के बच्चे या अनाथ बच्चों को कम उम्र से ही काम करना पड़ता है। ऐसे बच्चों का बचपन पूरी तरह नष्ट हो जाता है, वे न पढ़ाई कर पाते हैं न बचपन के मजे ले पाते हैं। यूपी सरकार ऐसे ही बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहती है। आर्थिक तंगी की वजह से वे जबरदस्ती काम करने को मजबूर न हो, सरकार उन्हें आर्थिक सहायता देगी। अब तो देखिए, यहाँ पर लिखा है बच्चों का भविष्य होगा सुरक्षित, इसे हम जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है बच्चे जब मजबूरी में काम करना शुरू करते हैं तो यह उनको मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रभावित करता है। इससे देश समाज की भी एक बड़ी क्षति होती है। अब देखिए, आर्थिक सहायता जो कि हम आपको बताए हैं, प्रदेश सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार बाल श्रमिक लड़के को 1,000 रुपये एवं लड़कियों को 1,200 रुपये प्रति माह देगी। प्रोत्साहन राशि जो देखिए, 8वीं, 9वीं और 10वीं में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको 6,000 रुपया की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। और यहाँ पर देखिए, 2,000 बच्चों का चयन भी हो चुका है। यहाँ पर देखिए, सरकार ने अभी इस योजना को एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह 13 मंडल के 20 जिलों में प्रारंभ किया है। यहाँ पर 2,000 बच्चे ऐसे पाए गए हैं जो बाल मजदूरी कर अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। सरकार इन बच्चों को मदद पहुँचाएगी। इनका चलन 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया है। जनगणना सूची में पाया गया है कि इन 20 जिलों में सबसे ज़्यादा बाल श्रमिक हैं, इसलिए पहले कार्य यहाँ से आरंभ किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर यह लिखा गया है कि सरकार ऐसे श्रमिक बच्चों को स्कूल भेजने का भी काम करेगी। सरकार ने इसलिए सालाना प्रोत्साहन राशि की भी घोषणा की है ताकि वे बच्चे स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित हो। तो चलिए, अब हम आपको बात कर लेते हैं कि इस योजना को लाभ लेने के लिए कौन पात्र हैं। तो जैसा कि हम आपको अभी आर्टिकल के द्वारा पढ़कर बताएं, और हम इसमें बता देते हैं कि योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के बाल श्रम मजदूर को ही मिलेगा जो चयनित 20 जिलों में रहते हैं। योजना का लाभ 8 से 18 साल के किशोरियों को ही मिलेगा। जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं या कोई एक भी नहीं तो ये योजना का पात्र हैं। अगर बच्चों के माता पिता दोनों दिव्यांग हैं या कोई एक भी है तो यह योजना का पात्र होंगे। अगर बच्चों के माता पिता गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं तो भी यह योजना के पात्र होंगे। तो दोस्तों, ये देखिए पात्रता है। और हम आपको बता देते कि बाल श्रमिक विद्या योजना आवेदन फार्म की प्रक्रिया क्या होगी। तो देखिए, योजना के आवेदन कैसे होगा इसकी जानकारी अभी नहीं आई है, लेकिन सरकार ने बताया है कि योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले पैसे लाभार्थी के नाम पर बने अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाएंगे। इस फॉर्म का जो आवेदन करना है वो अभी नहीं आया है जानकारी इसके। तो दोस्तों, जैसे जानकारी इसका आता है, अगर आप लाभ लेना चाहते हैं
तो हम आपको एक और नए वीडियो में बताएंगे जैसे इसका जानकारी आ जाता है तो। और हम ये भी बता दें कि वो 20 जिला कौन सा है जो आप लाभ ले सकते हैं। दोस्तों सभी का वीडियो मैं बना दूंगा, तो दोस्तों उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और हम आपको हमेशा अपडेट करते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।